वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है खुशबू चोर। और कहानी कुछ इस प्रकार है। तो एक समय की बात है, एक बहुत अच्छा बेकर था, मतलब वो रोज़ सुबह फ्रेश ब्रेड बनाता था और आप सबको पता है कि फ्रेश ब्रेड की कितनी सुंदर खुशबू होती है। तो वो रोज़ बेक करता था और उसके बेकरी के साइड में उसके घर, उसके दुकान के साथ एक इंसान का घर था, यानी कि उसका नेबर। तो वो नेबर रोज़ बाहर बैठता था और अपनी बासी पुरानी ब्रेड खाते हुए उस बेकरी की से जो आ रही है खुशबू फ्रेश ब्रेड की, वो सूंघता था। अब वो सूंघते सूंघते खाता था तो उसको बड़ा आनंद आता था, मज़ा आता था कि मेरी पुरानी ब्रेड भी ताज़ी ताज़ी उसको लगने लगती थी। तो ऐसा ही होता गया। वो जो बेकर था वो उसको रोज़ देखता था कि ये रोज़ मेरे दुकान से आती हुई खुशबू को लेते हुए अपनी बासी पुरानी ब्रेड खाता है। तो बेकर ने बोला, आज मैं कुछ करता हूँ इसका। तो बेकर ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई और उसके हाथ में दे दी कि तुम्हारे इतने इतने तुम्हें पे करना है, क्योंकि तुम रोज़ मेरी खुशबू लेते हो, मेरे दुकान से खुशबू लेते हो। तो वो नेबर ने तो पहले देखा और देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, इतने ज़्यादा मैं नहीं पे करूँगा। तो जब उसने ये कहा तो बेकर अपने केस को कोर्ट लेके जाता है। तो कोर्ट में वो जज बेकर और नेबर दोनों को बुलाता है। बेकर को बोलता है कि तुम अपने बिल लेके आओ और नेबर को बोलता है कि तुम सोने के सिक्के लेके आओ। तो दोनों अगले दिन कोर्ट में आते हैं, दोनों की सुनवाई होती है। तो ये जो बेकर है बड़ा खुश होता था कि वाह वाह, मुझे तो अब पैसे मिलेंगे मेरे खुशबू के। तो ऐसा ही हुआ। तो जज ने बोला, ठीक है बेकर, एक सेकंड रुको, नेबर से बात करता हूँ। नेबर को कहा जज ने कि तुम अपने हाथों में वो सोने के सिक्के लो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था। अब बेकर बड़ा खुश हुआ, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर जज ने बोला, बेकर तुम रुको, तुम्हें मैंने लेने के लिए नहीं कहा है। उसने नेबर को बोला कि तुम अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में इन सोने के सिक्कों को खनकाओ। तो जब सोने के सिक्के खनके तो उसकी आवाज़ आई और जज ने बोला बेकर को कि इसने तुम्हारी खुशबू सूंघी थी, खुशबू चुराई थी, तुम कह रहे हो, आज तुम्हें वो पैसे मिल गए, उसने तुम्हें उस खुशबू के लिए पेमेंट दे दी। और वो पेमेंट क्या थी? उन सिक्कों की आवाज़। इस कहानी का मॉरल ये है कि आपको कभी भी लालची नहीं होना चाहिए और जो भी करते हैं सोच समझ के कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।